जी स्टूडेंट्स असलाकुम वी आर गोइंग टॉपिक रिगार्डिंग द देशन ऑफ मैन दैन एन और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इसको पढ़ा था इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इसकी तमाम चीजें डिस्कस की थी अभी आपके कुछ पार्टिसिपेंट्स और आ जाए इसको खिलाकर सा और कंटिन्यू करेंगे ठीक है जी दो तीन मिनट वेट कर ले आप सिर्फ एक दो पार्टिसिपेंट से कुछ और आ जाते जब लोग स्टार्ट करते हैं कंटिन्यू करते हैं आज आपके और पार्टिसिपेंट्स ही नहीं आ रहे भाई असल में आज बारह सवा बारह बजे क्लास थी तो आपको पता है बिजली लाइट बहुत ज्यादा बंद हो रही है जल्दी तो उस वजह से थोड़ा सा पांच सात मिनट दस मिनट जो है ऊपर हो गए वो लाइट बार बार सुबह से छठी दफ़ा जा रही है और मैं इसी चक्कर में हूँ कभी मुलाजिम को कह रहा हूँ जनरेटर चला दो कभी वो मुझे कह रहा है सर लाइट आ गई है बंद कर दे तो इसी चक्करों में और फिर दोबारा से सिस्टम को दोबारा से रीस्टार्ट करना नेट वो खुद पाँच दस मिनट ऐसे ज़ाया हो जाते हैं ये बिजली ने बहुत ज्यादा जो है एक तो कल से तंग किया हुआ है कल भी कुछ थोड़ी सी डिस्टर्बेंस थी आज तो बहुत ज्यादा है हालांकि हमारी तरफ ही लाइट ऑफ नहीं होती है <coughs> लेकिन आज तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम मैसेज करें तलहा अपने फेलो क्लास ज्वाइन करें हरियाणा Okay. जी तो हम लोग डेक्लेन ऑफ राइट के हवाले से बात कर रहे थे ये जो आपका एक टॉपिक था तो आपको मैंने एक सेंड किया था आपके पास था ये दो चीजें मैंने सेंड की थी एक तो आपके पास छः सात पेजेस थे इस टॉपिक के हवाले से और दूसरा आपको ये ऑफ़ राइट्स का पूरा एक आपके पास आर्टिकल था पी डी एफ फाइल में जिसमे वो साठ सत्तर पेजेस आपको शो कर रहा है ठीक है वो आपका था उसको निकाल लीजिए जरा जिसके ऊपर लिखा हुआ डेक्लेन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड ऑफ द सिटीजन आप सबके पास होगा क्योंकि फिजान को मैंने परसों सेंड कर दिया था तो तमाम स्टूडेंट्स के पास ही था तो इसलिए जो है इसको निकालें हरियम और मैं इसको देखता हूं <coughs> इसमें और क्या बातें हैं इम्पोर्टेंट जो आपको बताने वाली कल हम लोग ने इसके बारे में डिस्कस किया था इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या था डॉक्यूमेंट को किसने ड्राफ्ट किया किसके किसकी कंसल्टेशन के साथ कौन कौन इसमें इन्वॉल्व था कौन कौन से मेजर नेम थे बेसिकली ये आर्टिकल जो था ये डेक्लरेशन जो था राइट्स ऑफ सिटीजन का ये कहता क्या है इसके अंदर uh, कौन कौन सी क्लॉज़ेस जो थी वो शामिल थी ये क्या बात करता है किस हवाले से बात करता है तो अगर आप इसको जरा ओपन करें मेरे साथ मैं आपको साथ साथ मैं आपको गाइड करूँ क्या क्या आपने इसमें से छोड़ना है और क्या, क्या क्या करना है मैं आपको बता रहा हूं। उस पेज को ऊपर अपने अपने मोबाइल फोन में या जिसके पास हार्ड कॉपी में सॉफ्ट में उसको ओपन करें हरियम ताकि मैं आपको बताऊँ उसमें क्या आप कर रहे हैं और क्या क्या, क्या इसको छोड़ना है ठीक है जी मुझे मैसेज करें अगर आपने ओपन कर लिया देन मैं फिर कंटिन्यू करूँ हरिम इसका पेज शुरू से जहां से स्टार्ट हो रही है इसको ओपन करें पेज नंबर से लिखा है ओके okay, ठीक है गुड आप ये देखिए इसमें शुरू में जो मैंने आपको हिस्टोरिकल एक बैकग्राउंड दिया था उसमें आप देखिए कि ये सारी बातें शुरू वाली वही बात है कि किसने इसको जो था आ, कौन कौन से इसमें जो स्कॉलर्स थे कौन कौन से इसमें जो थे जिन्होंने इसको जो है वो जी नए स्टूडेंट्स जो हैं नए जो स्टूडेंट्स है वो ओपन करें जो आपको मैंने वो एक आर्टिकल सेंड किया था पीडीएफ फाइल में सेवेंटी पेजेस वाला जो था उसमें से कुछ जो है जो कटवाना है और जो करना है मैं आपको गाइड कर रहा हूँ जल्दी जल जल जल्दी उसको उस पर आ जाए अच्छा जी तो वो ये जो आपको मैंने एक छः सात एक पेजेस अलग सेड किए थे और एक ये जो आर्टिकल का पूरा ये जो पीडीएफ फाइल है जो साठ सत्तर सर्थ सत्तों की एक ये है तो वो आठ जो छः सात पेजेस थे वो हम लोगों ने कल डिस्कस कर लिए थे उसमें जो इम्पोर्टेंट बातें थी तो आज ये जो आर्टिकल है ये जो पी फाइल सी है इसमें आपने सिक्सटी नहीं करना मैं आपको वो बता रहा हूँ जो आपने नहीं करने जो जो पेजेस आपने काटने और जो जो, जो उसमें और बातें एक दो एड किए उसमें वो एड करके ताकि आपका इस टॉपिक को आज फाइंड अप कर दूंगा तो एक तो जो जो हमने छह सात पेजेस पढ़े थे शुरू में ये वही बातें लिखी हुई है ये वही जो आप ये आर्टिकल ओपन करेंगे पीडीएफ फाइल वाला तो इसमें देखिए शुरू में वही बातें लिखी हुई है कि ये आर्टिकल ये जो चार्टर था जो डेक्लरेशन था ये किसने लिखा इसके कौन कौन से थ्योरिस्ट थे जैसे मैंने आपको कल बताया था कि इसके जो है वो लेफिएट और मार्क्विट और ये थॉमस जेफरसन ये लोग इसके जो थे एबे जो थे ये, ये पॉलिटिकल जो थ्योरिस्ट थे आ, फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर और ये जो आ, आपका थॉमस जेफरसन के बारे में बताया था आपको ये तमाम लोग थे जिन्होंने इसको ड्राफ्ट किया फिर ये बात क्या करता है ये आपकी फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात कर रहा था फ्रेंच रेवोल्यूशन क्यों आया क्या था मैंने कल वो भी आपको डिटेल से बताया उसके बाद

आप जो है फ्री हो अपनी तमाम तरह के एक्शन करने में अपनी ऑक्यूपेशन को चूज़ करने में अपनी एजुकेशन को चूज करने में अपने रहन सहन तमाम चीज़ें आप जो है वो अपनी आमदन को तमाम में आप ख़ुद मुख्तार हो आपकी कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो ठीक है आपके पास तमाम जो है वो राइट्स हो उस हवाले से बात कर रहा था ये फिर फिर इसमें कुछ वो यूएस के वाले से यूएस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की बात कर रहा था उसके बारे में आपको डिटेल बताया अच्छा ये जो पेजेस हैं शुरू वाले अब देखिए नीचे करते रहे तकरीबन पेज नंबर जो है वो आ, दस एक आपको था हाँ जी पेज नंबर थर्टीन तक जो है ना ये ट्वेल्व ट्वेल्थ तक वही है जो आठ पेजेस थे ना सेंड किए थे वही बातें उसमें कर रहे हैं वही चीज है वही पेजेस है तकरीबन 90 परसेंट सेम वही इधर कॉपी हुआ हुआ ठीक है ये तो वो हो गए जो मैंने वो कल बताए थे आठ दस पेजेस ठीक है उसके बाद आगे से ये थर्टीन पेज से पेज नंबर तेरह से ये सबस्टांस से स्टार्ट कर रहा है ये हमने करना है इसको मैं पढ़ता हूँ है? है? इसको उसके बाद फिर आगे बताऊंगा कहाँ से कट करना करना क्या है है ठीक जी इसको कर रहे हैं क्या एक रहे इंपॉर्टेंट बात है ये आप आपका मजमुआ क्वेश्चन का बनेगा सारी चीजों का आप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दे रहे हैं फिर आप दे रहे हैं इससे किसने लिखा फिर आप दे रहे हैं इसमें था क्या फिर इसके अंदर कौन कौन सी मेजर बातें थी वो लिख रहे हैं फिर इसके इसके ऊपर थोड़ा सा क्रिटिसिज्म भी है इसके ऊपर वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे इसके ऊपर क्रिटिसिज्म क्या था फिर आप चाहिए सब को पढ़ते हैं क्या कह रहा है इसमें द डेक्लेन इज इंट्रोड्यूसड बाई प्रियम डिस्क्राइबिंग द फंडामेंटल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द राइट आर क्वालिफाइड आप देखो इसके बारे में और डिटेल बता रहा है ये डॉक्यूमेंट था क्या ये चार्टर ये डेक्लरेशन था क्या और आपको उस पर आसान अल्फाज में या uh, मुश्किल भी कह लें ले, आप आपको इसे एक्सप्लेन कर रहा है मैं आपको थोड़ा थोड़ा साथ उसको ट्रांसलेट करूँगा यह क्या कह रहा है the declaration is introduced by preamble describing the fundamental characteristics of the right which are qualified as a 13 page page number being natural uh, unalignable and sacred and consisting of simple and incontestable <clears throat> principle of which citizen could base their demands in the second article the natural and

प्रॉपर्टी एंड सिक्योरिटी ये तीन चीज़ों की बात कर रहा है वो कहता है जो कि हर इंसान को हर आदमी को जो है वो मैसर आने चाहिए और इक्वली आनी चाहिए इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए इसमें कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए इसमें कोई फर्क नहीं होना चाहिए ठीक है जी

आप इक्वली होना चाहिए अगर उसके पास टैलेंट है तो वो उसको आगे आना चाहिए तो वो कहते हैं ये मुनारकी जो सिस्टम है जो बादशाहत सिस्टम है मनारकी का मतलब होता है मुनार्क होता है बादशाहत तो कहते हैं मनारकी जो, जो सिस्टम है उसको भी कहते है, ये रिस्ट्रिक्टेड करता है उसको भी खत्म करने की कहता है कोशिश करता है यानी कि ये नहीं होना चाहिए ठीक है एंड ऑल दिटीजन ये पेज नंबर पंद्रह है 15th uh, minute, and all the citizens were to have the right to take part in the legislative process. Freedom of speech and press were declared, and arbitrary arrest outward. The declaration also asserted the principle of popular sovereignty in, contra in contrast to the divine rights of king that criticized the French monarchy and social equality among citizens. All the citizens, being equal in the eyes of the law, are equally admissible to all the public dignities, places, and employment according to their capacity, and without a distinction other than their virtues and their.

लेजिस्लेटिव प्रोसेस के अंदर कानून साजी के अंदर जो है कहता है उसमें भी जो है वो जो लोकल पीपल है उनको जो है वो पार्टिसिपेट करना चाहिए उनको भी हिस्सा मिलना चाहिए उनके पास भी फ्रीडम ऑफ स्पीच हो बोलने का हक हाँ हो, हो बोलने का उनके पास राय हो कि वो किसी भी टॉपिक के ऊपर किसी बात के ऊपर जो है वो क्रिटिसाइज़ कर सकते उसके ऊपर बात कर सकते हैं ठीक है उसके बाद और क्या कहते हैं जी वो कहता है कि आपकी सोवरेनिटी की बात करता है ख़ुद मुख्तारी की बात करता है कहता है कि जो भी रियासत ऑर्गेनाइजेशन जो है वो खुद मुख्तार होनी चाहिए इसके ऊपर किसी किस्म का कोई को प्रेशर ही होना चाहिए सोशल इक्वालिटी होनी चाहिए सोशल इक्वालिटी से बस जो आपका आप देखते हैं कि रोज़मर्रा के आपकी जितने भी मामलात हैं उस हवाले से वो कहता है सोशली जो है वो आपके पास मुकम्मल तौर पर इक्वली इक्वालिटी होनी चाहिए तमाम जैसे आप देखते हैं कि अमीरों के स्कूलों के बच्चे प्राइवेट स्कूल में गरीबों के गवर्नमेंट स्कूल में गवर्नमेंट स्कूल का और सिस्टम प्राइवेट स्कूल का और सिस्टम और तमाम छोटे छोटे मामला में हेल्थ में ले लें एजुकेशन में ले लें वट जो छोटे छोटे हैं वो कहते हैं इसमें इक्वालिटी होनी चाहिए ये नहीं होना चाहिए कि जैसे नवाज शरीफ और दूसरे जो लोग हैं बड़े या जरदारी या क्या नाम आपका प्राइम मिनिस्टर पीटीआई का जो भी है क्या नाम इमरान जो है इस तरह ये इनके लिए कहता जो है और प्रवलेज हो और हम जैसे लोगों के लिए और बारात और प्रवलेज हो ये नहीं होना चाहिए तमाम जो सिटीजन है वो लॉ के आगे इक्वल होने चाहिए ऐसा नहीं कि बड़े अमीर लोगों को लोन भी माफ और उनको गुनाह करने पे भी अदालतें उनको आज़ाद कर देती हैं है उनके जो हैं वो खत्म कर देते हैं और जो बेचारा गरीब जिसने एक मोटर चोरी की है वो बेचारा दो दो ढाई साल अंदर फंसा रहता है तो इस तरह जो है लॉ के आगे तमाम लोग जो है वो बराबर होने चाहिए और उसकी जो डिग्निटी है उसका जो वकार है उसकी जो एम्प्लॉयमेंट है उसकी जो रोजगार है उसकी कैपेसिटी के, के मुताबिक उसको जो है वो मिलना चाहिए अब ये बातें जो है अब ये क्या करेंशन की बात कर रहे हैं जो डेक्लेशन ऑफ मैर सिटीजन है ये उस वो ये बातें कर रहा है जो मैंने आपको भी बातें बताई है ये सात आठ पॉइंट ठीक है आप इसको अपनी जुबान में भी लिख सकते हैं टेंशन ना है लें अब देखिये इसमें से चूज करें चीज़ें कि क्या कहता है क्या, क्या क्या कहता है वो सवरिटी की बात करता है वो इक्वल राइट्स की बात करता है उसके बाद वो आपके जो डिवाइन राइट उसकी बात करता है वो बनारकी सिस्टम को खत्म करने की कोशिश करता है क्यों कहता है

ये आर्टिकल्स आपने नहीं करने ये तमाम आर्टिकल जहां तक नीचे जाते हैं ये जाते हैं जी पेज पेज पच्चीस तक जाते हैं ये पेज पच्चीस नहीं करने ये सोलह से लेके पच्चीस दस पंद्रह पेज ये नहीं करने ठीक है इसको भी काट दें आप इसको आपने नहीं पढ़ना ठीक है भी बच्चों आगे क्या कह रहा है आगे आपसे एक्टिव एंड सिटीजनशिप की बात कर रहा है पेज नंबर है जी आगे आपका ये छब्बीस ट्वेंटी सिक्स बच्चों साथ साथ कर रहे हैं मुझे यस का मैसेज करें सारे बच्चे हरी अब जल्दी करें जल्दी एक मिनट लगाएं आपको समझ आ गया आपने कट कर लिया मेरे साथ साथ है हैं तो बार बार नहीं मैं बताऊंगा ठीक है गुड और ये आप लोगों ने जो है आगे अपने फेलोज को भी साथ साथ उनको बता देना बार बार हर बंदा मुझसे पूछे ना आप लोग जो है उनको इन्फॉर्म कर दीजिएगा अगर वो रहा करें पूछे तो आप उनको काइंडली गाइड भी कर दीजिएगा ठीक है क्योंकि आज जुमा है वैसे भी टाइम शॉर्ट है और दस पंद्रह बड़ी बिजली ने भी हमारे जाहिर कर दी है इस वजह से जो है वो थोड़ा सा मैं स्पीड मार रहा हूँ लेकिन जहां आ, मेरे बच्चों आपको समझ लगे आपने वहां पे फॉरन मुझे कहना है सर समझ नहीं आ रही दोबारा मुझसे पूछ सकते हैं ठीक है दस दफा पूछे पांच दफा पूछे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं आप पे अच्छा आगे एक्टिव एंड पैसिव सिटीजनशिप की बात कर रहे हैं जी ये पेज नंबर छब्बीस आप बड़ा लेट आए हैं हैदर आप जो है हम लोग पढ़ रहे हैं जो आर्टिकल पीडीएफ फाइल थी वो पढ़ रहे हैं उसमें पेज नंबर ट्वेंटी सेवन पे आ जाओ बाकी आप अपने किसी फैलो से पूछ लेना हम लोगों ने कहाँ से स्टार्ट की और क्या क्या छोड़ा है और आगे क्या क्या करना है मैं वो चीज़ें कर, बता रहा हूँ जो हमने कटवानी है और जो हमने करनी है आप अपने फेलो से पूछ लीजिएगा अच्छा जी एक्टिव सिटीजनशिप एक्टिव पैसिव सिटीजनशिप क्या था मैं इसको जनरली पढ़ दूँ थोड़ा सा उसके बाद फिर हम इसके ऊपर आती है क्या चीज़ें <clears throat> While the French Revolution provided rights to a larger portion of the population, there remained a distinction between those who obtained the political rights in the Declaration of the Rights of Man and Citizen and those who did not. Those who were deemed to hold these political rights were called active citizen. Active citizen was granted to men who were French, at least twenty-five years old, paid tax equal to three days' work, and could not be defined as a servant. This meant that at the time of the Declaration. Only male property owner held these rights. The uh, deputies in the National Assembly believed that those who held uh, a tangible interest in the nation could make informed political decisions that this should directly affect Article 6, 12, 14, and 15 of Declaration of the Rights of Men and the Citizen. Acharya. And these rights are related to the right to vote and to Participate actively in the government with the decree of the 29th October 1789. The term active citizen became amended uh, in French politics. The concept of passive citizen were created to encompass these populations that had been excluded from political rights in the declaration of the right of men and the citizen because to the requirements set down or active citizens the vote was granted to approximately 4.3 million frenchmen out of a population around 29 million these omitted group include women slaves children and foreigners as the, these mayors were voted upon the general assembly अब जरा ना बच्चों आसान अल्फाज में ना अब आसान अल्फाज में जरा सुने में आपको बताता हूँ मैं सबसे पहले आपको ये बताता हूँ एक्टिव और पैसिव सिटीजन कौन से होते हैं जब आपको ये समझ आ जाएगी देन आप बड़े आसानी से ये जो पैराग्राफ मैंने तेज तेज पढ़ा है स्पीड से पढ़ा है मुझे पता है आप लोगों को तेजी से पढ़ा है थोड़ा सा शायद समझ ना आया हो लेकिन आप उसको आराम आराम से दोबारा रीड कर सकते हैं लेकिन मैं आपको उसका थोड़ा सा क्रस्ट बताता हूँ क्या वो कह रहे हैं जी अच्छा आप उसमें वो कह रहे हैं जी कि जो एक्टिव सिटीजन होते हैं वो कौन से होते हैं और वो जो है पैसिव सिटीजन कौन से होते हैं सबसे पहले देखिए जी, जी जो एक्टिवली एक्टिव सिटीज़न वो होते हैं जो एक्टिवली आप कह लें कि इन्वॉल्व होते हैं तमाम uh, आप कह लें पोलिटिकल सिस्टम के अंदर और जो वमेदारी लेते हैं इस चीज़ की स्पेशली लोगों के हवाले से पब्लिक कंसर्न uh, उनको होता है और तमाम जो पोलिटिकल सिस्टम है उसके अंदर वो एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं इकनॉमिक सिस्टम के अंदर एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं अब वो कहते हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा ना इसके ऊपर एक किस्म का भी क्रिटिसिज्म आ रहा है आगे कि ये uh, इसके ऊपर जो डिक्लेरेशन uh, था इसका इसके ऊपर थोड़ा आप तनकी कोई ड्रॉबैकों का बात नहीं की गई सबसे पहले वो कहताली हर लिहाज से जो है वो इन्वॉल्व हो आपकी स्टेट की जो एक्टिविटीज हैं उनके अंदर चाहे वो इकनॉमिक एक्टिविटीज हो चाहे वो पोलिटिकल एक्टिविटी हो और वो तमाम जो है वो पब्लिक से लोगों के साथ जो है वो अटैच हो ये तो आपके हो गए एक्टिव सिटीजन अच्छा अब पैसिव सिटीजन कौन से होगी अब बच्चों लिख लिया करें जुबानी भूल जाता है आपको लिख लिया करें पेंसिल कॉपी हाथ में रखा करें जब मेरा लेक्चर अपने हाथ में पेंसिल जरूर रखा करें क्योंकि मैं आपको सिर्फ ये जो आपकी किताब के ऊपर बातें लिखी हुई है जो जो आपके के ऊपर बातें लिखी होती है मेरी आदत है मैं कुछ उससे एक्स्ट्रा भी बताता हूँ आपकी जनरल नॉलेज के लिए इन्फॉर्मेशन के लिए ताकि आपको जो है वो उस, उसको समझने में आसानी हो उसको अंडरस्टैंड करने में आसानी हो तो इस वजह से जो है अपने पास पेंसिल रखा करें क्योंकि जुबानी सुनने से इंसान भूल जाता है कोई भी इतना कैपेबल नहीं होता ताकि आपको बाद में जो है वो चीजें याद रहे अच्छा जी आगे वो कहते हैं जी जो पैसिफिक uh, सिटीजन होते पैसिव सिटीज़न वो होते हैं जो कहले हैं कि आप इलिटरेट होते हैं इलिटरेट होते हैं और जो कह लें कि इनके पास कोई लॉ का लॉ के हवाले से कोई नॉलेज नहीं होता गवर्नमेंट के हवाले से उनको कोई नॉलेज नहीं होता या वो किस उनके पास जॉब्स नहीं होती या वो उनके पास राइट right नहीं होता कि वो वोट कास्ट कर सके किसी भी रीजन से यानी कि ऐसे लोग जो कि आप कह लें गैर फ़ाल होते गैर फ़ाल होंगे वो लोग जो गैर फ़ाल शहरी कहलाते हैं वो आपके स्पेसिफिक सिटीजन uh, कहलाएंगे लाइक like, जैसे कि आप कह लें कि uh, कोई एक्टिविटी हो रही है उसमें मेरी कोई इन्वॉल्वमेंट uh, नहीं है कोई अमल दखल नहीं है मैं जिसको आप कह स्लीपिंग स्लीपिंग सिटीजन होते हैं कि आपको कोई पता नहीं क्या हो रहा है जैसे भी हो रहा है आपकी किसी चीज में ना कोई पार्टिसिपेशन है ना कोई इन्वॉलमेंट uh, uh, है अब यहाँ पे जो क्रिटिसिजम थोड़ा सा इसके ऊपर हो रहा है वो ये कह रहा है कि ये जो तमाम जो राइट्स की बात कर रहा है डेक्लरेशन uh, जो है उसमें वो देखता है कि तमाम ये जो एक्टिविटी है ये किसके पास है जो एक्टिव सिटीजन है ये ज्यादा उनको इससे फादियत हासिल होती है ज़्यादा वो एडवांटेज हासिल करते हैं इससे उनको ज़्यादा इससे जो है वो फ़ायदा होता है ये जो राइट्स की बात करता है डिकलेशन और कहता है ये जो आपके पैसिव जो आपके सिटीज़न है उनको इससे ज़्यादा इतनी फादीयत हासिल नहीं होती और वो कहता है बहुत सारी पॉपुलेशन एस, ऐसी है जो कि बेचारी पैसिव सिटीज़न है और उनको बहुत ज़्यादा इससे जो है वो फायदा नहीं हासिल हो सक रहा है या हो हुआ तो इसलिए जो है यहाँ से थोड़ा सा इसके ऊपर ये क्रिटिसिज्म भी आता है इस इसके ऊपर क्योंकि कहता है बहुत अभी

जो 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 पैसिव थे, उन्होंने भी है है शोर मचाना शुरू कर दिया कि हमें भी जो है राइट्स दिए जाए वोटिंग राइट्स हो दूसरे राइट्स हो उनके मुकाबले में जैसा कि आपके पास जो है एक्टिव सिटीजन के हैं तो इस हवाले से थोड़ा सा जो तो है मामला जो थे वो गड़बड़ होना शुरू हो गए इसके ऊपर अब आगे वो देखे कि आगे और दो तीन चीजों के ऊपर वो क्रिटिसाइज़ कर रहा है स्पेशली विमेंस के हवाले से वो कहता है वेमेंस और जो ये स्लेवरी जो ये जो कैद की होते हैं जो कैदी होते हैं इस हवाले से कहता है कोई राइट्स की डेक्लेशन में जो है वो बात नहीं की गई वेमेंस की राय क्योंकि वो मैं ये देखें पढ़े भी इसका जो टॉपिक है वो क्या है डेक्लेन रफ मैन एंड सिटीजन वो कहते हैं विमेन के हवाले से इसमें इस जो है वो इस राइट्स के अंदर इस डेक्लेशन के अंदर बहुत ज्यादा जो है वो डिस्कशन नहीं की गई बात नहीं की गई आगे नीचे अगर हम पढ़ेंगे तो वो उसको सारा वो इसको डिस्कस कर रहा है इसकी इस हवाले से <coughs> अच्छा जी अब आगे ये पेज नंबर कहाँ तक हो गया था जी हमारा उनतीस तक हमने पढ़ लिया था अच्छा दे लिमिटेड द राइट्स ऑफ सर्टेन ग्रुप

The passive citizen throughout the revolution, uh, this happened when passive citizens started to call for more rights or when they openly refused to listen to the ideas set forth of active citizens. This cartoon clearly demonstrates the difference uh, that exists between the active and passive citizen, along with the tension associated with such difference. In that, uh, this active citizen is holding a spade, and passive citizen on the right say, Take care, and, and that my. Patient does not escape Women in a particular were strong passive citizens who played a significant role in the revolution along PD Guigis. ये इसमें वो बात कर जी कि जो मैंने आपको तो पहले वो कहते है, यहाँ पे प्रॉब्लम शुरू हो गए पैसे आपस में प्रॉब्लम शुरू हो गया कि वो कह रहा है मुझे राइट मिलने, वो पूरे, पूरे मुझे राइट नहीं मिल रहे यहाँ पे जो था वो मसला शुरू हो गया एक चीज दूसरा वो कहता है के हवाले से जो वेमेन्स हैं वो भी कहती है उन्होंने बड़ा अहम रोल जो था वो अदा किया स्पेशली फ्रेंच रेवोल्यूशन के हवाले से लेकिन खातर ख्वा उनके लिए कोई बहुत ज़्यादा इसमें जो है वो राइट्स की बात नहीं गई वो कहते हैं विमेन भी जो इक्वली कह लें कि इम्पोर्टेंट है उनका भी राइट है जैसे कि है, तो इस सवाले से बात करें। अच्छा बच्चों ऐसे जुम्मे का टाइम हो रहा है तो इसको इसका एंड है बिल्कुल थोड़ा सा मैंने और इसमें बताना है और मैंने नीचे बताना है, बाकी सारा हमने काटना है इसको सारा कट कर पेजेस करने परेशान ना हो इसमें इस तरह विमेन और स्लेबरी की दो हेडिंग्स है उसके बारे में पांच मिनट मैंने आपको जस्ट बताना है नेक्स्ट कल इनशाला उसके बाद नीचे सारा कटना है और आपका एक काम है कल आपने मैगना काटा जो मैंने पढ़ाया था और ये जो टॉपिक है डेक्लरेशन राइट इसको आपने पढ़ के आना है पढ़ के आने से बुरा आपने कोई लफज रट्टा नहीं लगाना इसका कॉन्प्ट लेके आना जो मैंने पढ़ाया ठीक है और इसमें अगर कुछ समझ नहीं आएंगे तो आप उससे पूछेंगे नहीं तो मैंने आपसे पूछना है ये मैग्ना कार्टा क्या था मोटा मोटा बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा मैग्ना कार्टा क्या होता है क्या था चार्टर क्या था इसी तरह ये तरहेशन ऑफ मैन एंड राइट सिटीजन के हवाले से ये क्या था इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीजें थी ये मैंने आपसे कल पूछ रही है कल पांच मिनट लेक्चर के शुरू के मैं आपको थोड़ा सा ये वेमेन और स्लेवरी के बारे में बताऊंगा पांच सात मिनट में उसके बाद इस टॉपिक को फिर बताऊंगा कौन कौन सा काट है सारा बाकी कट जाएगा उसके बाद जो रिमेनिंग हमारे पास टाइम होगा पच्चीस तीस मिनट उसमें मैंने आपसे पूछना है मैगना काटा क्या है और ये जो डिक्लेरेशन है ये क्या है ये दोनों चीज़ें मैंने आपसे डिस्कस करी मोटा मोटा आपसे पूछूंगा आप मुझे लिख के बताएंगे मैसेज में और मैं आपसे देखूंगा जिस जिसकी जो है वो आ, मुझे मैसेज मिलेगा उस, उस वो वो एक्सेप्ट होगा अदरवाइज जो है जिसका मुझे मैसेज नहीं मिलेगा वो सेप्टेबल नहीं होगा बाहर वो कल डिस्कस होगा लेकिन कल का आपका काम जेल में रखिए अपने दूसरे फैलर्स को भी बता दीजिएगा कल कोई छुट्टी ना करें ठीक है आप लोग जो पार्टिसिपेंट्स आ जाए लास्ट भी कल होने चाहिए आप लोगों का काम ये है कि आप लोगों ने क्या करना है आप लोगों ने मैग्ना कार्टा और ये जो आर्टिकल डेक्लरेशन है इसको पढ़ के आना है इसमें छोटी छुड़ छोटी मोटी मोटी बातें लाइन टू लाइन कोई याद करने की जरूरत नहीं है बहुत सारी ऐसी चीजें की जो आपको समझ नहीं आएगी लाइन टू लाइन पढ़ने से कुछ समझ नहीं आता तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कल लेकिन कल मैं आपसे जरूर पूछूंगा कि क्या चीज़ें इसको ऐड करने के बाद ठीक है जी कल पढ़ के जरूर आइएगा मैगना कार्टा और डेक्लेशन का इसमें से आपसे कुछ पूछ सकता हूँ मोटी मोटी इसमें से चीज़ें है क्या और कैसे करना है तो आज फिजान जो है वो फिजान के गया आ, दूसरा फिजान फिजान अरशदी फिजान गुराया फिजान गुराया अगर यहाँ अभी से यहाँ अभी था पता नहीं किधर चला गया आप आप में से कोई और जो रिस्पांसिबल स्टूडेंट है वो इस आ, जो आपकी आपका जो स्टूडेंट्स मौजूद है इनका स्क्रीन शॉट ले आपकी स्क्रीन का और वो सेंड करेगा उसामा साहब को अगर वो आपको नहीं पता उनका नंबर तो फिजान जो घुराया उससे आप नंबर ले लें ठीक है सुल्तान या फैजान अरशद उस्मान आप में से कौन रिस्पॉन्सिबल है जो सेंड करेगा ये मुझे मैसेज करेगा या हैदर कौन है ओके उस्मान ठीक है आपने क्या करना स्क्रीन शॉट ले लिया आपने जो जो बच्चे प्रेजेंट हैं ले स्क्रीन शॉट स्क्रीन का अपनी उसके बाद फैजान गुराय को सेंड कर दे और वो आपका सीआर है उसको सेंड कर सेंड कर दो चले अच्छी बात है अगर फर्स्ट फाइव्रेरी को ओपन हो जाएगा तो अच्छी बात है <coughs> तो बहरहाल आप जो है लाजान अभी ले क्लास में क्विट करो उससे पहले जल्दी ले लें ले, इसकी स्क्रीन शॉट हरी उसके बाद फिजार को सेंड करें उसके आगे शामा साहब को अभी सेंड करें ओके गुड शाबाश ठीक है जी मुआजा मुआवजा अरशद है उसके बाद तलहा है सुल्तान है फैज़ान और अशरफ और हैदर आफ्ताब आप लोग स्टूडेंट प्रेजेंट हैं ठीक है जी आपकी प्रेजेंट लगा लूँ ओके जी बच्चों अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज है जी ठीक है ओके टेक केयर कल इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं जो मैंने काम जुमे लगाया वो अपनी करके आना है अल्लाह हाफिज़